वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है दशहरा। आप सभी को दशहरा की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और कैसा लग रहा है बैकग्राउंड बताइएगा कमेंट करके। अभी देखिए लाइट कलर का पेंट हो गया है, इससे आपका फोटो भी बहुत अच्छा आएगा। लाइट कलर में सारे शेड अच्छे लगते हैं, सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने पहनी है ये वाली ब्लैक वाली अपनी ड्रेस, जो कि मेरी एनिवर्सरी ड्रेस थी, आई गेस नहीं बर्थडे ड्रेस थी, हाँ, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे ड्रेस दिया था, वो वाला ड्रेस मैं लेकर के आई हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 हो रहा है एग्जैक्ट, और हम लोग जा रहे हैं कुछ फोटोशूट कराने के लिए, सारी लड़कियाँ मिल करके साड़ी पहने। और बनाया है हम लोगों ने रावण। तो आज दशहरे का कुछ नया मतलब स्पेशल हम लोग करने वाले हैं। बाहर तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसा प्लान करा है। तो दशहरे में हमने रावण घर पे बनाया है, होममेड रावण। बनाने की पूरी जो भी मतलब विधि है, जो भी उसका तरीका है, वो मैंने अभी जस्ट पोस्ट किया है अपना वीडियो, तो उसको जरूर चेकआउट करिएगा। घर में बहुत ही थोड़े से सामान के साथ आप किस तरह से रावण बना सकते हैं, आपको सब आसान तरीका मिलेगा। उसमें बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया है वेस्ट मटेरियल से बनाने का। तो हमारा रावण बन के तैयार है, और अभी चलते हैं जल्दी से फोटो शूट कराते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है। तो चलिए, बुलाती हूँ मैं मुस्कान और खुशी को, और चलते हैं ऊपर कुछ फोटोज क्लिक कराते हैं। तो छत पे आ गए हैं हम लोग। अंधेरा तो अभी नहीं हुआ है, पर हाँ बहुत जल्दी होने वाला है। तो अभी ब्राइट, हेलो हेलो, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा सेम टू यू। तो यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है और अजान हो रही है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। Till I get up, time is barely on our side. अंधेरा हो चुका है और हम लोगों ने बस जो थोड़े से फोटो क्लिक करे हैं वो हम लोग अपने इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करती रहूंगी। तो इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन ब्लॉगर बुलबुल, जरूर फॉलो करिएगा। और अभी थोड़ा और अंधेरा हो जाएगा, फिर हम लोग अपने रावण जी को लेकर के आएंगे और क्या करेंगे, रावण दहन। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आ गए हैं छत पर। बीच की मेरी कुछ क्लिप्स जो हैं वो मिस हो गई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो सेट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मेरे रावण जो हैं, हम लोगों के रावण ऊपर आ चुके हैं, हम लोग इनका जा रहे हैं रावण दहन करने। तो आप भी एंजॉय कीजिए। लो भैया, यहाँ फसा तो यहाँ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कैसे क्या जलाएं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और हम लोग ने कभी इस तरह से घर पे रावण नहीं जलाया है। सो फाइनली यहाँ पे देखिए हमारे रावण का दहन होने जा रहा है। नीचे जला दो, ऊपर जला दो, ये ऊपर जला, अबे ऊपर जला, ये हटो। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय
खा लो भैया, दहन हो चुका है। नाम है ताल जला नाना जला। तो यहाँ रावण दहन हो चुका है। इस तरह से हम लोगों ने घर पर ही दशहरा सेलिब्रेट किया। इसके बाद सब लोगों ने एक दूसरे के, छोटे बच्चों ने पैर छुए और फिर हम लोगों ने पान खाया। आप देख सकते हैं कि मेरे चाचा जी सामने मम्मी को पान दे रहे थे और फिर हम लोगों ने भी पान खाया था। तो मेरे यहाँ घर पर पान खिलाया जाता है दशहरे में एक दूसरे को, मीठा पान जो होता है, तो वही। और बस यहाँ पे हमारा रावण दहन हो चुका है। कैसा लगा आपको? लोगों ने रावण दहन कर लिया है, रावण जलाया, और इधर हमारी दादी बैठी हुई हैं। सबको हैप्पी दशहरा। आज दशहरे में दादी भी सबको विश कर रही हैं और दादी ऊपर छत पे आई हम लोग का रावण देखने के लिए। कैसा लगा दादी रावण? बढ़िया। बढ़िया बनाया ना? अच्छा। और पीयू कुछ कहेगी क्या दादी से? नानी से कुछ कहोगी? हाँ हैप्पी दशहरा, बिटिया हमारी अच्छा बनाया। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया था। अच्छा, आपने बहुत एंजॉय किया, चलो ठीक है फिर। और इधर खुशी, अच्छा था ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आया। और फिर एक मिनट में जल गया, हम लोग को पता ही नहीं चला। इतने कि कल से प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ, और एक सेकंड में जल के फुर रावण निकल लिए। चलो फिर सब लोग बाय कर देते हैं। बाय बाय, वंस अगेन हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा खुशी, हैप्पी दशहरा, दशहरा, बाय बाय, गुड नाइट। तो अभी यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं ये जो मिर्चे का अचार होता है वो। तो बस मैंने सोचा चलो आपके साथ आज कोई रेसिपी शेयर नहीं किया है इस व्लॉग में, तो अचार की थोड़ी सी रेसिपी दिखा देती हूँ। तो इसका जो मसाला है वो मम्मी ने बना लिया था, वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट फिर कभी मैं आपके साथ इसका मसाला ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहते हैं तो। तो ये अचार जो है ये पराठे या पूड़ी के साथ खाने में तो बहुत अच्छा लगता ही है। तो बस इसीलिए मम्मी यहाँ पे बना रही थी कि चलो अब ठंड है तो अच्छा लगता है, पराठा वराठा खा लो कभी कभी ब्रेकफास्ट में। इसलिए चलिए इस व्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज का व्लॉग बहुत छोटा था बट अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। चलती है, मिलते हैं कल, बाय।